अरासान्या वर्सेस पाब्लो कॉस्टा डील डन हो चुकी है और यूएफसी 253 का मेन इवेंट जो सितंबर में होने वाला है, मेन इवेंट है अरासान्या वर्सेस पाब्लो कॉस्टा। और ये वाली फाइट के बारे में कि कैसे ये फाइट जाएगी टेक्निकली, इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। हम बात कर रहे हैं कि ये वाली फाइट कितनी बड़ी है यूएफसी के लिए। अगर अभी आप सोचिएगा कि यूएफसी अभी कोरोना वायरस 2020 में ऐसा चल रहा है, तो सबसे बड़ी फाइट और कौन हो सकती है? सबसे पहले तो अगर खबीब और टोनी हो सकता, अगर हो सकता जो नहीं हुआ, उसके बाद से गेची और टोनी हो गया और उसके बाद से गेची जीत गया, तो टोनी वहां पर से हट ही गया। लेकिन तब भी अगर होता, जो उतना दिन से 4-5 बार हो कर कैंसिल हो चुका है साइंग होकर, तो मतलब हमको लगता कि 2020 का सबसे बड़ा और मेन इवेंट था खबीब वर्सेज टोनी। और अभी 15 अगस्त को होने वाला है रिपब्लिक डे को इंडिया में, डैनियल कॉर्मिया वर्सेज स्टिपे म्योचिच, ये भी काफी बड़ा मैच है। और अगर आप सोचिएगा इस मैच के बारे में, तो यूएफसी का बेस्ट हैवी वेट जो जीतेगा वो लेके चला जाएगा, क्योंकि स्टिपे म्योचिच इतना दिन से डोमिनेट कर रहा है हैवी वेट को। लेकिन डैनियल कॉर्मिया मतलब लाइट हैवी वेट में भी चला गया था, हैवी वेट में डबल डबल चैंप भी है, तो मतलब यूएसए को ओलंपिक में भी मतलब रिप्रेजेंट कर चुका है। तो मतलब एक तरीके से ये भी बहुत बड़ा मेन इवेंट कहला सकता है और 2020 का सबसे मेन इवेंट कहला सकता है। लेकिन अगर यूएफसी के फ्यूचर के बारे में बात कीजिएगा, जो फ्यूचर इतना ज्यादा यंग नहीं है अरासान्या या पाब्लो कॉस्टा, 29-28-30 ईयर्स का है, लेकिन 4-5 साल 6 साल रेन कर सकता है अगर चैंपियन रहे तो। लेकिन ये जो फाइट है, मेन इवेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएफसी को अब इस वर्ल्ड पर सबसे मतलब ठप्पा लगाना होगा कि एमएमए का सबसे बड़े हम लोग राज करते हैं एमएमए पर, और मेरे ही पास सबसे बड़े एथलीट्स हैं एमएमए के, और मेरे पास ही मतलब एमएमए का हर चीज है, और वी आर द बेस्ट इन एमएमए ऑर्गेनाइजेशन। ये अरासान्या अगर ये वाला मैच जीतता है तो एक स्टेप और क्लोज आ जाएगा यूएफसी, अभी है वो लेकिन और ज्यादा क्लोज आ जाएगा। और यूएफसी ये चाहता होगा, और बहुत दिन से मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात चल रही थी कि कब मैच होगा, कब मैच होगा अरासान्या वर्सेस कॉस्टा, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा मतलब इस फाइट को हमको ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए यूएफसी को उतना ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। ये एकदम ग्रज मैच है, एकदम मतलब कि ये दोनों को एकदम मतलब दोनों अपने को एकदम हेट करते हैं दोनों। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया, पाब्लो कॉस्टा का भी और अरासान्या का भी, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग फाइट। और ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो फाइट है वो यूएफसी क्राउड के बीच में भी करा पाए, क्योंकि अरासान्या आपको न्यूजीलैंड का है और न्यूजीलैंड में अभी कोरोना वायरस के बहुत कम केसेस हैं, और अगर अगस्त सितंबर में बहुत कम केसेस रहे तो क्राउड के बीच में बात चल रही है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से यूएफसी की, जैसा यूएफसी के मीडिया पर्सन ने बताया है ऐसा, तो हो सकता है क्राउड के बीच में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये अमेजिंग मैच होगा। लेकिन हम टेक्निकली बात करें तो पाब्लो कॉस्टा को नहीं देख रहे हैं ये वाला मैच जीतते हुए, हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब स्टिपे म्योचिच और वर्ड्यूम वाला जो जैसा मैच था, मतलब कि हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि पाब्लो कॉस्टा जो है ना वो एक तरीके से एकदम फॉरवर्ड रहता है हमेशा हमेशा, आप जोएल रोमेरो के मैच में भी देखिएगा एकदम फॉरवर्ड रहता है, और बहुत ज्यादा वो पंच लेता है, एब्जॉर्ब करता है पंच देने के लिए। पाब्लो कॉस्टा के पास नॉकआउट पावर है, और एक मैच जो उसने डिसीजन से जीता था जोएल रोमेरो से, उससे पहले 5 का लगातार मैच टीकेओ से जीता था, तो मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। और अभी आप उसका सोशल मीडिया देखिएगा तो आपको लगेगा कि ही इज अ हैवी वेट, वो मिडिल वेट में कैसे कट करके करता है, तो मतलब कटिंग वेट इज लाइक मतलब बहुत ज्यादा अजीब टाइप का थिंग है। और अगर अरासान्या के बारे में आप देखिएगा, अरासान्या को आप अच्छे से उसका सोशल मीडिया देखिएगा, तो वो उतना ज्यादा हैवी नहीं घूमता है, तो मतलब पावर पाब्लो कॉस्टा के पास है, जो अगर अरासान्या को अच्छे से टच करेगा, जो रॉबर्ट विडिकर ने फर्स्ट राउंड में एक बार किया था अरासान्या को, अरासान्या का लास्ट मैच था रॉबर्ट विडिकर के साथ, और अभी 4-5 दिन बाद रॉबर्ट विडिकर का नेक्स्ट मैच होने वाला है डैरेन टेल के साथ, आपको बता देते हैं। लेकिन इस वाले फाइट में हम पाब्लो कॉस्टा को उतना ज्यादा मतलब टेक्निकली हमको नहीं लगता है कि उतना ज्यादा अच्छा है जितना ज्यादा अरासान्या अच्छा है। हमको ऐसा लगता है कि अरासान्या इज गोइंग टू बी अ फेवरेट, और अरासान्या के पास ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन ये सेकेंड फाइट हो रही है जो यूएफसी के बीच में, जो अनडिफीटेड दोनों कंटेंडर्स हैं और चैंपियनशिप के लिए मैच है, अरासान्या चैंपियन है और मतलब अनडिफीटेड है, 19-0 है, और इरेजर पाब्लो कॉस्टा है 13-0, मे बी मतलब गलत हो गए 12 या 13-0, तो आप समझ जाइए ये बहुत ज्यादा अमेजिंग मैच है। और ये
मैच इसलिए बड़ा है क्योंकि यूएफसी को पूरे वर्ल्ड में फैलने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए ये वाला मैच अलासानिया को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये यूएफसी के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा अलासानिया के लिए है।